अन्य स्थानों की जगह अंबिकापुर में भी कोविड टेस्टिंग, कोरोना वायरस की जांच हेतु विभिन्न जो टेस्ट उपलब्ध हैं उसमें एंटीजन टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट, ट्रू नॉट विधि टेस्ट और अब आरटीपीसीआर वायरोलॉजी लैब की स्थापना की गई है। गुणवत्ता परीक्षण की जांच संपादित करा ली गई है और हमें गुणवत्ता का सर्टिफिकेट मिल गया है, सहमति मिल गई है। अब हम शीघ्र ही, जिसमें 4 से 5 दिन लगने की संभावना है, हम यहाँ अंचल के मरीजों को आरटीपीसीआर लैब के द्वारा यहीं पर वायरस की जांच संपादित कर ये लाभ उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, जो यहाँ के लिए एक सौगात होगी। हमारा लक्ष्य प्रति शिफ्ट 200 से 220 सैंपल का है। चूँकि पहली बार यह टेस्ट होगा, इसीलिए लैब टेक्नीशियंस जो इसमें काम करेंगे उनको ट्रेनिंग देने का काम चल रहा है। जो कंप्यूटर ऑपरेटर टेस्ट के उपरांत रिपोर्टिंग करेंगे उन्हें ट्रेनिंग देने का काम चल रहा है। तो अगर इसी बीच सामान की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो जाएगी तो हम एक दिन में 200 से 220 एक शिफ्ट में, एक शिफ्ट जो 8 घंटे का होता है, 1 घंटे के लंच ओवर के बाद, लगभग हमारा लक्ष्य 200 से 220 या कुछ अधिक, ये हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम प्रति शिफ्ट 200 से 220 जांच परीक्षण कर पाएँ। इसकी मान्यता हमें ICMR द्वारा राज्य में वायरोलॉजी लैब प्रारंभ करने हेतु जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर को जो मेंटर एजेंसी या नोडल एजेंसी बनाया गया था वहाँ से प्राप्त की हुई है और जिसे उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR न्यू दिल्ली को भेज दिया है और वहाँ से भी हमें ID पासवर्ड मिल जाएगा शीघ्र ही। तो हम जो जाँच करेंगे उसे हम नेशनल पोर्टल पर ICMR के पोर्टल पर डालेंगे तो हमारे ये टेस्ट भी राष्ट्रीय स्तर पर जाँच की परिधि में आ जाएंगे और जिसमें जो संख्या में बढ़ाने का प्रयास हो रहा है उसमें हमें सफलता मिलेगी। For more information, log on to www.clips.in.